अस्सलाम वालेकुम, मेरी 214 सर्वे नंबर लैंड है और इसमें जमीन गांजा मुनवर अली ये एक्टी इंचार्ज कारपेटर MIM के ये है। इनके पीछे पूरा इन है 213 लैंड सर्वे नंबर उनकी है, 14 सर्वे नंबर मेरी है। तो मेरे लैंड पे आके उन्होंने कब्जा कर रहे। आज 2014 से लेके अभी तक मैं लड़ते आई कोर्ट से लड़ते लड़ते मेरे कुछ जजमेंट कापी मिला और पुलिस प्रोटेक्शन मिला और जो मैं जिससे खरीदी कैसर भाई श्रीनिवास गौड़ से और श्रीनिवास गौड़ डुब्बा का बदा वडे माँ से खरीदे। पट्टा पासबुक हर चीज़ है मेरे पास, इतने प्रूफ पट्टा पासबुक है ये चीज़ सब रहते वक्त भी मेरे को जलील कर रहे मीडिया में जो वीडियो इश्यू कर रहे मेरा गलीज़ गाला दे रहे महिला वाणी चूड़कुंटा कूड़ा नाकु चाला तप्पुगा माटलाडुतुन्नारु हिंदू नुंचि वच्चिंदि अट्ला चेसिंदि बुर्का तीसेस्तां गलीज़ ओवर माटलाडुतुन्नारु नेनु कब्जा चेयडानिकि अंटुन्नारु ना पेपर्लो कूडा चूडंडि ना पेपर चूसि చెప్పండి మీరు కూడా న్యాయం చేయండి నాకు నేను తప్పుగా ఉన్నా నా కోర్టు కూడా కోర్టు ఎదురుగా పోతున్నారు వాళ్ళు కోర్టులో కూడా నా మనసులే నా జడ్జిని నేను పైసలు ఇచ్చి ఖరీదు చేస్తాను అని అంటున్నారు నేను జడ్జికి పైసలు ఇస్తే అంత నాకు ఆస్తి ఇది ఉన్నదా నాకు మరి ఆస్తి ఏక్యా కోర్టుకు మై ఖరీదు లేనికి ఇంత మేరకు జలీల్ కర్రే ఉన్నోగా మేరకు మై కా గలత్ హూ ఏ జడ్జ్ కా पेपर भी गलत है क्या, जजमेंट गलत है क्या मेरा बोला आप। मैं किसके पास जाऊँ, मैं हर जगह जा रही, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा और मेरे को इतना जलील कर रहे और उनको गांजा मुनवर आप बोल के मेरा इडो इश्यू कर रहे। तो उन्होंने गांजा मुनवर ही है उससे ही पहचानती मैं और दूसरा नाम नहीं मालूम मेरे को। तो उन्होंने 2018 में उनको ऑलरेडी प्री एक्ट में गए सो है गांजा में, सब वीडियो भी है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास, इसलिए मैं गांजा मुनवर बोल के बोली। मैं सबको क्यों नहीं बोली, 16 कारपेटर है, मैं उनका नाम नहीं ली ना, मेरे को जो सता रहे मैं उनका नाम ले रही, मेरे साथ जो गलत कर रहे मैं उनका नाम ले रही, जो मीडिया वाले भी थोड़े लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे, मेरे बारे में गलत डाल रहे, मेरा पेपर नहीं देख रहे भैया, मैं किन के पास जाऊँ, मेरे कौन इंसाफ करेंगे। मैं 2014 से लेकर आज तक मैं कोर्ट को फिर रही, मेरे को इतना गलीज कर रहे, हिंदू में से आई ऐसा करे वैसा करे बोल के मेरे को जलील कर रहे, मैं किसके पास जाऊँ। मैं सब कलेक्टर को दी, पिटिशन MRO को दी, सबको दी, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं बल्दिया में भी दी, सबको दी, मैं कमिश्नर साहब के पास दी, मैं पुलिस के पास जा रही, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा। कोर्ट में इंसाफ मिला तो भी मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा। सर्वे करा रहे तो सर्वे रुका रहे, उन्होंने अगर गलत नहीं है उन्होंने तो सर्वे करा लेना ना, दूध का दूध पानी का पानी मिलता, सर्वे भी रुका दिए। सर्वर साहब आए तो भी उनको लड़ाया करके आका ले, वहाँ से मेरे पास फोटोज़ भी है, सब प्रूफ है मेरे पास, मैं किसके पास जाऊँ। अगर इंसाफ नहीं मिला मेरे को तो मेरे को आत्महत्या करने का ये चांसेस है। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी बेच के मैं ली, मैं ये नहीं करी, मेरे ओनर से मैं 2-3 ओनर्स की भी लाई, मैं सबको प्रूफ देती, मैं खरीदी या कब्जा कर रही, मेरे कब्जा कर रही बोल के बदनाम कर रहे, मैं कब्जा नहीं कर रही, मेरे पूरे कोर्ट हुए पूरा प्रूफ है, देखो मेरा पेपर से पूरा कोर्ट जजमेंट है मेरा। जो 2-4 मीडिया वाले कोई दाले भाई कोर्ट से भी बड़े हैं क्या, उन्होंने बोलो कोर्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं उन्होंने, मेरे पास बेबुनियाद मेरा फ्लैट नॉलेज पर स्कूल के पीछे तालाब के ऊपर है, मेरी लैंड तो मेरी लैंड और गवर्नमेंट की लैंड भी उन्हें कब्जा करा, उसको कोई पूछने वाले नहीं है। जो काफी सारा भी उसको सपोर्ट करते तो मैं किसके पास जाऊँ। कोर्ट ऑर्डर है मेरे को, जजमेंट है, पढ़ो है देखो, मेरे को लैंड पे जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन भी है मेरे को, इसके लैंड पे जाके मेरे को कब्जा दिलाओ बोल के है। मैं आपको पेपर पूरा दे देती, मैं आपका देख मेरा देख के मेरे को इंसाफ करो बस। मेरे को मैं पुलिस वाले को दी, CI साहब क्या बोले देखो अम्मा ये जाके ये सर्वे करो एक बार बताए तो मैं पुलिस प्रोटेक्शन दे के ये कर, तो बोले तो मैं चालाना बन के दी, तो पुलिस सर्वे करने को रुका रहे इन लोग का। पुलिस लेटर भी लिखी सर्वे वाले को, MRO को लेटर लिखी, लिखने के बाद भी पुलिस वाले के ऊपर जाके वहाँ पर हमला कर रहे हैं इन लोग का, तो उनके सामने जाके इससे पहले भी 8 दिन नीचे, और क्या करूँ मैं बोलो। पुलिस वाले के ऊपर उतना जुल्म करे, पुलिस वाले के सामने मेरे को गालियाँ दे रहे, धंधे वाली है इन्हें गलीज गालियाँ दे रहे मेरे को, इतना मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं उन लोग का, मैं किसके पास जाऊँ। इन्हें गांजा व्यापारी है, इन्हें जो इसका पास पैसा है 2 नंबर का, मेरे पास किसको खिलाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए अब होना मेरे लैंड मेरे को मिलना, मेरे को इंसाफ करना बस।
सर्वे कराना, सर्वे कराए तो किसकी लैंड है मालूम हो जाता। ये सबसे गुजारिश है कि सर्वे करे को 2016 में ऑलरेडी सर्वे हुआ, 2016 में सर्वे करे, 2017 में पुलिस के मौजूदगी में सर्वे हुआ, लक्ष्मी ऐसे है जब उनके मौजूदगी में सर्वे हुआ, उसका हद्दुल गाड़ दिए, मेरा हद्दुल मेरे को बताए, बताने के बाद भी मेरे रातों रात मेरे जो बाउंड्री घेर ली थी तोड़ दिए मेरी बाउंड्री। फिर उसके बाद उन लक्ष्मी माया जाने के बाद ये लोग का काम चालू करे, दूसरे ऐसा आने के बाद मेरे कितना जुलूम हो रहा मेरे को, मैं कहाँ जाऊँ बोला। ऑलरेडी सर्वे रिपोर्ट है मेरे पास, 3 रिपोर्ट है मेरे पास। अनवर अली इंचार्ज कारपेटर, और सईद नर्सरी, और लतीब, अख्तर हुसैन, अहमद और कलीम, ये इसके भांजे, भाई के बेटे, भैया भान के बेटे, यही इलाके कब्जा करा रहे उन्हें, और महमूद, ये सारे लोग आए, और थोड़े लोगों के नामा नहीं मालूम मेरे को, इतना टॉर्चर कर रहे। अहमद बोल के है नाम, गलीज गलीज गाली से मेरे को रवड़े लेके आए, मेरे पास वीडियो और फोटोस हर चीज़ है, उन्होंने मेरे को क्या क्या करे सो। तुम्हारा एरिया कौन सा में आता? मेरा एरिया आठों नगर में आता, और मेरे सिक्स टाउन आता मेरे को। उन्होंने क्या बोल रहे, सर्वे कराने को लेटर भी जाए, सर्वे कराए तक तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना बोले तो रुकाने के बाद भी मैं रुक गई। पुलिस का मैं रिस्पांस कर रही, मैं कहूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाते बोल के, कोर्ट से आया मेरे को कैसा भी इंसाफ मिलता बोल के, बोलने के बाद भी इन लोगों का जो है सो कामा चालू करे, रातों रात कामा चालू कर रहे, तो पुलिस वाले आके नहीं काम करना बोल के लेके गए, तो पुलिस वाले को तुम ताला डाले बोल के उनके ऊपर करे, फिर वीडियो में क्या करे, रातों रात मैं ताला डाली बोल के इशू कर रहे, ऐसा झूठे इजनामा ले रहे। अगर उनके शीशे कैमरे वो रहते ना फोटोस, मैं रात के टाइम में गई, मैं एक लेडीज, अगर मेरे पीछे अब 10-15 लोग रहते थे, क्योंकि मैं गलत रहे तो मैं रवड़ियाँ को लगाने वाली औरत रहे तो मेरे को रवड़ी है बोल रहे, रवड़ियाँ को लेके आई बोल के बोल रहे, फिर मैं मेरे कब्जे पे जा सकती थी, मेरे पास रवड़ियाँ रहे तो मैं रवड़ी को नहीं लेके जा सक रही ना, मैं किसको नहीं ले, मेरे पास है ही नहीं, मेरे क्या जरूरत है, मेरे पास पूरे पेपर्स है, मैं कानून से लड़ते हुए आ रही, मैं कहीं को करूँ मैं ये काम। और ये जो कौन पॉलिटिकल सपोर्ट है या उनको कौन सा है नहीं मालूम मेरे को, सबको सब हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही मैं कि मेरे को इंसाफ करो, मेरे को पॉलिटिकल से होंदो, मीडिया वाले भाई से होंदो या पुलिस से होंदो, मेरे को गुजारिश है कि तुम्हारे से मेरे को इंसाफ दिलाओ बस। मेरे को बहुत डर आ रहा है, इससे पहले मेरे को घर पे आदमी भेजा है मनोहर, तेरे बच्चों को मार दे तू कर तो बोले, तो मैं 1 टन में 2015 में काम्प्लेट भी दी थी, वो भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो वो सब चलते गया, मैं सब पेपर्स में कोर्ट में इशू करी, हर चीज़ के इशू फोटोस करी, सर्वे को भी अगर देखो डरा के इतने आदमियों को ला के डरा के मस्जिद के आड़ में मस्जिद भी बना दे, मस्जिद मुनाफिस है का ऐसा बनाना बोलो, कब्जे के ज़मीन पे मस्जिद को बना लेके मस्जिद के आड़ में पूरी ज़मीन डाल लेने का प्लान है। सईद का वही काम है जो बांटता करता फोटोज बताते हुए ये ब्लैकमेल करते रहता सबको, मैं ऐसा अच्छा आदमी हूँ ऐसा आदमी हूँ, बोले उसके इससे पहले उसको डोडू कमराया में ऐसे कब्जे की मस्जिद बनाता था, एक लेडी दाढ़ी पकड़ के मारी उसको, फिर ये किला चौरस्ते पे ऐसा ही कब्जा करा था सईद नर्सरी, उसको ऐसा ही मारे, ये 2-3 जगह मार खाने के बाद भी उसको शर्म नहीं आ रही मेरे बारे में गलत बोल रहा, और अपन खुद गलत है, मेरे गुटा 1 टन में मेरा नाम खराब है कहते, नाम नागाराम पे कहते, एक भी मेरा अगर गलत चीटिंग केस भी मेरे ऊपर है, मेरे कुछ तो भी गलत है, तो आप जो पनिशमेंट देते वो दो, नहीं तो उसको दो, क्योंकि ये गलत गलत डाल रहे, जो जो वो कौन से चैनल है ना उनके फेवर के चैनल है शायद, पाप मेरा नहीं ले रहे वीडियो, मेरा पेपर्स नहीं देख रहे, और गलत गलत मेरे बारे में लंबी स्टोरी डाल रहे, और उनको खुद हकीकत मालूम है कि क्यों एक हिंदू में से मुस्लिम कन्वर्ट हुए होना अधिकार नहीं है क्या मेरे को, मेरी मर्जी है, मेरा पर्सनल इशे है, वो बारे में भी बोल रहे मेरे को खिलाफ खिलाफ बोल रहे, और जो हिंदू में से आई मुस्लिम आई दाल लेने को आई बोल के मैं किसका किसका कब्जा करी, सिर्फ 2014 से लेके अभी तक मैं एक ही लैंड के लिए लड़ रही मैं और दूसरी लैंड पे कहाँ तो भी कब्जा है क्या मेरा, कुछ तो भी है क्या मेरा, रिकॉर्ड देखो आप लोग का देखो, और इन्हों जो बोल रहे ना इनके ऊपर क्या एक्शन लेते, लो गलत गलत कर रहे मेरे ऊपर, गलत बातें बोल रहे, ये है इनका पूरा कैरेक्टर, गांजा फेंक फेंक ईड़ो डाल के फेंक बातें झूठ करके मेरे ऊपर ना मेरे को बदनाम करना चाह रहे, जजमेंट फेक है बोल रहे, ये जजमेंट फेक है कि आप बोले ये जो मिनिस्टर का सही नहीं है, सब मुद्रा गलत है क्या, मैं मार सकती क्या, मेरे घर से आता क्या बोलो, ये सब फेक है क्या बोलो, 100 रुपये के एग्रीमेंट पे जजमेंट देते कोई जज 100 रुपये के एग्रीमेंट पे जजमेंट दिए बोल के बोल रहे, आपके सामने पेपर इशू कर रही मैं, ये जजमेंट 100 रुपये का पेपर है क्या, आप देखो क्या मेरे को कोर्ट जीपी नहीं है, और मैं जो ओनर खरीदा उसको रजिस्ट्री नहीं है, उन्हें खरीदा उसकी रजिस्ट्री पट्टा पासबुक नहीं है, आप पूरा इंक्वायरी करके मेरे को बोलो, मैं गलती है तो मेरे को जो पनिशमेंट देते दो, और नहीं तो इंसाफ दिलाओ मेरे को बस, सर्वे कराओ अभी मौजूदगी में, पुलिस के मौजूदगी में हर एक मरतबा सर्वे करे तो कौन गलत है और कौन झूठ है मालूम हो जाता आपको, उस दिन जो है
मेरे को जो सजा देते मेरा गलत निकला तो, अगर उनका गलत निकला तो उनको क्या देते, मैं मानने के लिए